रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तू माल लाया ना, ऐसी ड्रिंक बनाऊंगा कि आज तो MMS शूट हो ही जाएगा। वो ऑफिस पे आया था, पीपी सर उसे किसी इंडस्ट्री प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट भी करने वाला है, उसे मैं किसी फैंसी रेप ड्रग भी लिया है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? यस, अगर हमें शनाया को बचाना है तो हमें जल्दी कुछ करना होगा। रोके की कुछ रस्में डिस्कस करनी थी। कहाँ है निकुल? ये रहा। इसे क्या हुआ? सो गया है। Even I'm really पलक, you're surprised कि मेरी बहन के साथ वो सब नहीं हुआ जो तुम डिस्क्राइब कर रही थी। Ritvik, I'm glad कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। But that guy is all about money. सब तुम्हारी तरह नहीं होते हैं पलक। मैं अपने बच्चों को लेके जा रहा हूँ। आओ मिलो, शीलो शालो, अच्छा दागा। जय दिया। चलो, let's go home. ये भी तो हमारा घर है ना? ये ननू हाउस है, अब हम दादू हाउस जाएंगे और वापस हमारा भी तो है ना? चलो लेट्स गेट रेडी। आप के घर जा रहे हो? मम्मा आप नहीं जा रहे? नहीं, मैंने पैकिंग नहीं की ना, इसलिए आप लोग जाओ, मैं आपको बाद में ज्वाइन करूंगी। ओके, मैं गाड़ी लेके आता हूँ। आपको पता है आपको पापा के घर बहुत मजा आएगा, बहुत सारे टॉयज, हॉलीडेज एंड पापा लव्स यू सो मच। आप उन्हें परेशान मत करना, ओके? और खाने के लिए बिल्कुल तंग मत करना, मुझे प्रॉमिस करो। मैं गलती से दूसरी चाबी ले गया। बच्चों के साथ होता है ये सब। कपड़े? अब सब कुछ नया होगा। आप दोनों दिल्ली आने के बाद इतने टॉल हो गए हो ना, तो पुराने कपड़े का कोई फायदा नहीं है। अब सब कुछ नया होगा लाइफ में। चलो। फाइनली बच्चे सो गए। मुझे इस वक्त पलक के साथ होना चाहिए। हुआ कैसे तुम? रोहित, तुमने इतने सालों में मेरे लिए कितना कुछ किया ना। I don't know if I would ever live without you, ever be able to. पता नहीं मैं तुम्हारे बिना ये सब हैंडल कर सकती या नहीं। Really love you, रोहित। कभी तुम्हें थैंक यू भी नहीं कहा मैंने। क्या हो यार? Come, इधर आ। ऋतिक जी अदिया को लेके चला गया। अलग बिल्कुल अकेली हो गई है। तो दिल्ली में मन नहीं लग रहा। So upset for her. क्यों कर रही हो ये सब? मेरी ममता आंटी के लिए सैक्रिफाइस, अब ऋतिक के लिए सैक्रिफाइस। अपनी जिंदगी कब जिए क्यों? अकेली पड़ गया और मैं कुछ नहीं कर पा रही। अकेली कहाँ है वो पलक? तुम्हारे जैसी दोस्त जो है उसके पास। हम सब ने ट्राई किया, बहुत ट्राई किया, लेकिन टूटे हुए रिश्ते को जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तुम पलक को संभालो। आई लव यू।
मैं हार गया हूँ प्रगति, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। हे मिस्टर गांधी, एटलीस्ट यू ट्राइड ना। भैया रुक कर, जिया दिया घर आ गई, भाभी दिल्ली छोड़कर जा रही है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं माँ को क्या जवाब दूंगा। यार उनका भी तो घर है यहाँ पर, तो वो जा क्यों रही है? लुक शिवम, आई टोटली अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, बट जितना मैं पलक दी को समझी हूँ, वो इस शहर में दिया जिया के पास रह के नहीं रह पाएंगे दिल्ली में। एंड आई नो फॉर अ फैक्ट ये डिसीजन उन्होंने इसीलिए लिया होगा ताकि वो तुम्हारे भैया से आसानी से दूर चले जाए। बट मेरे को तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि रिकी और पलक फिर से अलग हो रहे हैं। वो कभी साथ थे भी, और मुझे ये भी नहीं पता जो हो रहा है ठीक है कि भी नहीं, बट हम उनके कोई हेल्प भी तो नहीं कर सकते ना यार। नहीं, मेरी रिकी से बात हुई थी, बट उसने यही कहा कि शनाया की शादी के बाद वो बच्चों को लेकर मुंबई शिफ्ट हो जाएगा। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया, मतलब क्या बोलूं। आई इवन ट्राई टू रीजन विद हिम, मैंने उससे बहुत समझाने की कोशिश की, बट वो समझ भी नहीं रहा है। बट गुड फॉर हिम राइट, आई मीन जहाँ भी रहे बस खुश रहे। बट पलक, आई एम नॉट टू श्योर वो बच्चों के बिना रह पाएगी। आई मीन सोच के ना इतनी घबराहट सी होती है यार, बिकॉज भले मैं नाराज थी यार, बट समायरा मेरे सामने तो थी एंड शी वॉज वेल प्रोटेक्टेड। गॉड यार, नो मदर शुड गो। टेनिस में पॉइंट्स को लव क्यों कहते हैं? जो लव करता है ना वही टेनिस खेलता है। पापा, डू यू लव मम्मा? आज हम नए कपड़े लेने जा रहे हैं ना, तो प्लान कर लिया क्या क्या लेना? हाँ मामू, मैं भी आऊंगी। पापा, आपने तो बताया नहीं, डू यू लव मम्मा? आई लव माय लिटिल एंजल्स मोर देन एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड। ओके, जाओ खाना खा लो। घुटनों का दर्द फिर शुरू हो गया, पता नहीं साइकोलॉजिकल है, डॉक्टर शर्मा चली गई उसके लिए, बस आज का फंक्शन निपट जाए किसी तरह। आपने एक्सरसाइज की थी या नहीं? हर दिन थोड़ी ना डॉक्टर एक्सरसाइज करवाएगी आपको। देख बेटा, सारे बच्चे सेटल हो गए, रीवा सेटल हो गई, शनाया की बस आज पड़ जाएगी, मेरा रिकी रह गया बस, उसका भी हो जाता अगर वो मनहूस नहीं आती ना। मैं तो डॉक्टर शर्मा को ले ही आना था इधर। पापा, ये प्रगति। नमस्ते अंकल। मैंने तुम्हें कहीं देखा है? गाइस एवरीवन, शी इज प्रगति, शनाज फ्रेंड, ये कुछ दिन हमारे साथ नहीं रहेगी। हाय गाइस। हाय प्रगति, हाउ आर यू? गुड। ये यहाँ क्या कर रही है? ये तो पलक के घर पे रहती है ना? भाई वो आप वहाँ कुछ दिन रह रहे थे ना, तो आपको जगह कम पड़ती और आप लोग के लिए थोड़ा ऑकवर्ड भी हो जाता, तो ये तो तू इसको यहाँ घर पर ले आया था। ओ, और अब जब मैं वापस आ गया हूँ तो वो शनाया की फ्रेंड बन गई है, दे आर बेस्टीज नाउ, तो मेहंदी वेहंदी लगाएंगी, मजे करेंगी। व्हाट, किसी और को बनाना पसंद है ना तेरे को? आज मेरा रोका है और एक बहुत बड़ा सियापा हो गया है। तेरी ड्रेस। बहुत बहुत चुप रहे गाइस, व्हाट आर यू डूइंग? यहाँ तो तू मोटी हो गई है, यहाँ ये साइज गलत है। यार मुझे लगा आ जाएगा ये, मैंने टाइट भी किया था हफ्ते भर। ओह गॉड। अच्छा ये सब छोड़ो, ये सोचो कोई बैकअप है। हाँ, मेरे ग्रेड्स, मेरा ज्ञान और मेरी फैमिली। अब उस डूड को इस सब से काम चलाना पड़ेगा, आई डोंट नो। और कोई मेरा लहंगा लाओ। मतलब तू नहीं मानेगी? कम ऑन यार पलक, क्यों कर रही है ये सब? तेरा अपना घर है, तू यहाँ पर जॉब कर, जिया दिया से मिलने वीकेंड पे जा, तू क्यों भाग रही है यार पलक? क्योंकि नहीं मिल सकती है मैं ऋतिक से बार बार, ना उससे सच बता सकती हूँ, ना बॉल लड़ सकती हूँ उससे, वो हिम्मत भी नहीं है मेरे अंदर। कब तक जिया दिया कुछ झूठ बोल के पापा के पास छोड़ के आऊँ? यू नो व्हाट, मैं उनकी लाइफ से चली जाऊंगी ना, तो उनकी लाइफ बेटर हो जाएंगी।
have to stay away from them. शायद उनके बिना एक बेटर लाइफ जी सके। अलग, अलग और वो नकुल का क्या? उसके बारे में नहीं बताएगी नूंस को तू? तू और शिवम हो ना, I'm sure तुम लोग हैंडल कर लोगे। तुझे कौन संभालेगा पलक? Okay guys, selfie time. वाह पापा, आप गर्ल्स के बारे में बहुत कुछ जानते हो। सॉरी बेटा, बट ऋत्विक नून और गर्ल्स के बारे में ना जाने ये कैसे हो सकता है? एक्सक्यूज मी। नहीं नहीं बाबा, मेरा ये मतलब है कि क्लिप्स के बारे में तो ये प्रो है, इसको सब आता है, इसको सब पता है। तेरे मुंह पे लगाऊं क्लिप? मॉम, डॉक्टर ने क्या कहा? अब मेरे पास कुछ वक्त और कम है। I'm sorry, Mom. तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? भाभी को बहुत कन्विंस किया मैंने, बट कुछ भी, you know? मेरे कर्म है बेटा, मुझे तो भुगत नहीं पड़ेंगे। Mom. Oh, it's okay. मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, मेरा घर है, इसका ख्याल रखो जाओ। तो कैसा लगा? Amazing. शिवम? हाँ? नहीं, अब ये नाटक बंद करो। I know that you both like each other और तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ दिखता भी है। अरे क्या दिखता है? I mean, look, your brother's nice, he's cute. उसे लगता है वो funny है, लेकिन he's clearly not. I mean, his jokes are so lame. I actually agree with you on this. But Shania, one thing I don't understand, तुम्हारी family is so caring, they're so loving. पलक दी के साथ क्या हुआ? क्या हुआ का तो पता नहीं, लेकिन जिया और दिया के बाद भी वो दोनों साथ में क्यों नहीं है? That's the real question. Sure. But you know what? I think कुछ दिन के लिए ना ये टॉपिक साइड में रखते हैं। वैसे भी पापा कहते हैं रब राखा। बिल्कुल सही कहते हैं। In fact मेरी मॉम भी यही कहती है। Just a second. Sure. पलक भाभी, सॉरी हमने ठीक से ट्राई नहीं किया। कहाँ हम चाहते थे आप जिया दिया के साथ हमारे घर आओ, और कहाँ आप फिर हमसे दूर जा रहे हो। तब हम बहुत छोटे थे, आपके लिए कुछ कर नहीं पाए, और अब भी फेल हो गए। मैं आज अपनी नई लाइफ शुरू करने जा रही हूँ, और मेरा बड़ा अरमान था फैमिली फ़ोटो में रिक्की भैया आपके साथ खड़े होते। आई मिस यू, आई लव यू भाभी। बहुत प्यारी है शनाया यार, उसकी जिंदगी नहीं बर्बाद हो सकती ऐसे। मतलब तू नहीं जा रही? फिलहाल तो नहीं जा रही हूं। यस! कुछ चीजें ठीक करनी है। क्या? रिकी, मैं जानता हूं आप क्या कहने आई हैं मां। मैं और वो एक दूसरे को टॉयलेट नहीं कर सकते। लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स। ये कस्टडी का क्या करना है वो बाद में देखेंगे। आप प्लीज रेस्ट कीजिए। जॉन्डिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू रिकवर। बच्चों का क्या होगा लेट द कोर्ट डिसाइड। दिल्ली मत छोड़ रखी। यहाँ रहूंगा तो कहीं का नहीं रहूंगा मॉम। चला गया तो कम से कम आपका तो रहूंगा। प्लीज। मोटी आज तो खाने की बातें ना कर। रीवा यार। नकुल, रात भर जगने के लिए तैयार हो ना? रीवा दी। अरे रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है, शनाया स्नोर्स, दैट्स व्हाई। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आ रहा हूँ। श्योर। शर्मा गया यार। एक बार रोका हो जाए फिर शनाया से मिलना आसान हो जाएगा, और एक बार इस मोटी का MMS बना लूं तो रोज दिवाली है।
प्लान तो परफेक्ट है। एक्सक्यूज मी, हम मिल चुके हैं पहले? हाँ, दिल्ली तक ड्रॉप किया था ना तुमने, मेरे दो बच्चे थे, रिमेम्बर? पता है क्या, तुम्हें काफी कॉल्स भी आए थे रास्ते में, और तुम कह रहे थे कि एक बार शनाया से शादी हो जाए तो कैसे तुम्हारे सारे प्लान्स आसान हो जाएंगे, कैसे तुम उसके पैसे हड़पोगे, रिमेम्बर? कैफे में डिनर के बाद शनाया का MMS बनाने वाले थे ना तुम? लुक लेडी, स्टे आउट ऑफ इट। अगर अपनी खैर चाहते हो ना तो अंदर जाओ और बताओ कितने घटिया इंसान हो तुम, वरना तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को ना मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी। ब्लैकमेल कर रही हो? नहीं, वो काम तुम्हारा है, मेरा काम है तुम्हें वार्न करना। जाओ अंदर और सब सच बताओ। तुम कुछ भी बोलोगी और सब मान लेंगे? यस, यू नो व्हाई? आई विल टेल यू, क्योंकि नून फैमिली ने मुझे तुम्हारे कैरेक्टर सर्टिफिकेशन के लिए प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला था। प्रूफ्स है मेरे पास, अंदर जाऊंगी दिखाऊंगी, वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारी पूरी खाल उधेड़ देंगे, इसलिए बोल रही हूँ जाओ अंदर, खुद बताओ तुम कितने घटिया इंसान हो और तुम्हारी क्या प्लानिंग थी, वरना मैं बताती हूँ मेरा क्या प्लान है। अंदर जाऊंगी, डीजे पे तुम्हारी फोन कॉन्वर्सेशन सुनाऊंगी, सराउंड साउंड पे, चॉइस इज योर्स, अंदर जाके खुद करना है या मैं करूं। ये तो सच में स्पाई है यार। हाँ, अब अंदर जाओ और कोई बहाना बनाओ और मंगनी तोड़ो, वरना यू ड्रगी, आई विल किल यू। जाओ। ब्यूटीफुल, तुम्हारे होने वाले पतिदेव कहाँ है? सच बताया शनाया, तूने उसे डरा के भगा तो नहीं दिया ना? नहीं। देखो आ गया वो, डरा नहीं। अरे नकुल, आओ आओ इधर आओ, शनाया के पास आओ। एक्चुअली मुझे कुछ कहना है। तुम ब्रेकअप करना चाहते हो? Granted and congratulations. Oh my god! And surprise, cause I am back. मुझे यकीन था तुम जरूर आओगे। अरे कैसे नहीं आता मामा? मुझे भी तो देखना था कि आज ये इतनी बड़ी हो गई है कि इसका रोका हो रहा है, और इसका फंक्शन और मैं ना हूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नैना, मैंने बताया था ना, हमारा सबसे बड़ा बेटा ऑस्ट्रेलिया में है, तो आ गया हमें सरप्राइज देने। और कितने सही वक्त और सही मौके पर आए हो। परफेक्ट रियूनियन। यस मॉम, परफेक्ट रियूनियन। जिविश, सनाया, अमन, रीवा, रिकी, पलक। डैड आपकी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर पलक शर्मा है, आप मिल चुके हो उससे। यार पूरा परिवार एक हो गया है, किसी ने मुझे बताया भी नहीं, पराया बना के रख दिया सबने मुझे यहां पर। अरे साची, ये रिकी की ट्विन्स हैं। रियली? ओह सो क्यूट। आपको पता है मैं कौन हूं? मैं आपका बड़ा चाचू, राइट रिकी? चाचू के ताऊ, ताऊ ताऊ को किसी दे सकते हो? थैंक यू, यू थैंक यू मॉम, ये दोनों बिल्कुल रिकी की कॉपीज हैं, है ना? रोके का मुहूर्त है, निकलता जा रहा है, सबसे मुलाकात तो होती रहेगी, आ जाओ। जी मॉम, एक बार पलक से मिल लेते तो भाई। अरे शिवम मेरे भाई, यू आर सो अमेजिंग, आज तुमने वो कर दिखाया जो हमें से कोई नहीं कर पाया था, यू आर अ मैच मेकर। वैसे डैड बिल्कुल ठीक कहते हैं तेरे बारे में, कि तेरे जैसा बड़ा दिल किसी के पास नहीं है। आज तेरी वजह से ये परिवार एक हुआ है शिवम। My brother, good job. हाँ हाँ, कहाँ है पलक जी, बुलाइए ना उन्हें, हम भी मिलना चाहते हैं, वो आने के बाद ही रोका शुरू करते हैं ना। जिमी, ये क्या सच है? पहले रोका कर ले। तू कैसी बातें कर रहा है रिकी, पलक इस घर का हिस्सा है, she's a member of this family, कहाँ है वो वैसे?
हाय भैया, आई एम नकुल। हाय नकुल, कांग्रेचुलेशंस। हेलो भाभी। हाय नकुल। वैसे बरकरार तुम तो बच गए, वरना मैं तुम्हारी अच्छी खासी ड्रिलिंग कर देता। पापा जी, मेरी तरफ से लड़का पास, रोके की रस्म शुरू करें। रेडी, चलो। पा को पलक के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और मैं आपको बोलने की कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन आप पलक के राग लगाए जा रहे हो। बट चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, अभी वो लोग साथ में नहीं है, सिचुएशन जैसी दिख रही वैसी है नहीं। लेकिन मुझे कैसे पता? आई डिडंट रियलाइज दिस। मुझे नहीं पता कि घर में क्या हो रहा है। मैं तो इनफैक्ट बहुत खुश था रिकी के लिए, पलक यहाँ पर रह रहा है। आई थॉट एवरीथिंग इज वर्किंग आउट। लेकिन भाई, आपको एक बार मुझे पूछ तो लेना चाहिए था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मुझे पता ही नहीं तो मैं तुमसे कैसे पूछता? इनफैक्ट गलती तुम लोगों की है, क्योंकि तुम लोगों ने डैड से झूठ बोला है। सीरियसली, ट्विंस को इस तरह से घर पर देखकर मुझे तो लगा सब कुछ सॉर्टेड है। एनीवेज भाई, तो अपना जेट लैग उतारो, मैं कल आपको डिटेल में सब कुछ बताता हूँ। ओके, ठीक है। Rishabh, it's so strange. पलक डैड को ट्रीट कर रही है और डैड को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। It's weird, right? It's weird. लेकिन मैंने अपना होमवर्क बहुत अच्छी तरह से किया सच। Don't worry. पलक के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं नहीं जानता था कि वो आपकी फिजा है। मुझे नहीं मालूम सबके बारे में कुछ भी। That's all I have to say. और वो मुझे चलना सिखाने आई थी ना? वो एक टूटे हुए बुढ़े को और तोड़ रहा है। उसने तेरे साथ बेवफाई की, लेकिन फिर भी तूने उसे अपना लिया। तुझे उसे इतनी आसानी से माफ कर दिया, लेकिन अपने बाप को नहीं माफ कर पाया। अरे, तुझे इतना प्यार दिया, मेरे जिगर का टुकड़ा था तू, मेरी रीढ़ की हड्डी था तू, लेकिन फिर भी तूने मुझे गिरा दिया, मुझे हरा दिया। देखिए, उस लड़की ने मैंने पैर तो ठीक कर दिए, ऐसा फिर भी गिर गया, अपनी ही नजरों में गिर गया। वैसे तुझे एक बात की दाद जरूर देनी पड़ेगी, अच्छी तरह से सिखा कर भेजा था। मेरे बारे में सब कुछ जानती थी वो, मेरा दुख, मेरा दर्द, मेरी पसंद, मेरी नापसंद, सब कुछ पक्की तैयारी के साथ भेजा था तूने उसे। मेरे साथ इतना बड़ा गेम क्यों खेला तूने रिकी? आखिर तू मुझसे चाहता क्या है? तू मुझे अपना बाप माने या ना माने, यू आर स्टिल माय सन। मैं अब भी तुझसे प्यार करता हूँ रिकी। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? ममता, विजू बाबा को बहुत बड़ा झटका लगा, तुम जाके उससे बात करो। रिकी गया है इनसे बात करने। बहुत दिनों बाद बाप बेटा एक दूसरे से बात कर रहे हैं। हल्का कर लेने दीजिए, मैं बीच में नहीं आना चाहती। सही कह रही हो तुम। अब अपने को बहुत बड़ा बिजनेसमैन समझते हैं ना? You know what, Dad? You're right. Every time you made me lose a job, और आपने मुझसे मेरी जॉब छीनी, you proved कि आप बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है। यू आर राइट। द ग्रेट
विजय बद्दूत इज राइट। आपने कभी सोचा कि आप मुझसे मेरी जॉब्स नहीं छीन रहे थे? आप मुझसे मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा सब कुछ छीन रहे थे। आप वो लड़ाई तो जीत गए जिस दिन मैंने अपने आप को खोया, अपना कॉन्फिडेंस खोया। उस दिन आपने मुझे खोया। आज आप वीक हैं, मैं मानता हूं, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि मैंने कुछ किया है, इसलिए क्योंकि आप गिल्टी हैं। क्योंकि विजय पत्नून ने सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद पर जिंदगी जी है, अपने बेटे की शादी पर जिद, अपनी बेटी की शादी पर जिद, एवरीथिंग दैट। आपके अलावा इस घर में किसी को कोई डिसीजन लेने की परमिशन ही नहीं है, राइट? क्या हो जाता अगर मेरी पलक से शादी हो जाती तो? आपने उसे ठुकराया क्योंकि मैंने उसे एक्सेप्ट किया था, मैंने उसे प्यार किया था। आपने रीवा को, जिससे वो प्यार करती थी, उससे शादी नहीं करने दी। दिस गिल्ट ऑफ पुशिंग पीपल अवे हैज मेड यू वीक मैन। और ये पलक, आई डोंट गिव अ शिट अबाउट हर, जस्ट फॉर योर नॉलेज, मैंने उसकी तरफ मुड़के तक नहीं देखा। वो यहां क्यों आई है, क्या करने आई है, आई डोंट नो एंड आई डोंट इवन केयर। मैं पलक को नहीं भुला पाया हूं ना इन 6 सालों में, ना अब, और ना ही कभी भुला पाऊंगा। और इसलिए नहीं क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं, इसलिए क्योंकि उसने मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा दिया। And you know what, Dad? मुझे धोखा सिर्फ उसने नहीं दिया, आपने भी दिया है। वो तो बेवफा थी, और आप एक जिद्दी बिजनेसमैन। So congratulations, you were right। आज के बाद डैड मत पूछना कि मैं और आप पहले जैसे क्यों नहीं हो सकते। अभी को मैं लेकर आया। आखिरी टकीला शॉट लगा लो, पाका ना तीसरा नेत्र खुलने वाला। और ये जो शांति है ना, तूफान से पहले वाली शांति है। सो चीयर्स। अभी को मैंने ही ढूंढा और आपके ट्रीटमेंट के लिए मैं ही लेकर। और अगर आप दोनों के बीच की दूरियां मिटाने के लिए मुझे बार बार भी करना पड़ेगा तो मैं करूंगा। तो आपको क्या लगता है कि आपको चोट रिकी भाई ने पहुंचाई, और आपको क्या लगता है कि पा ने आपका हौसला था? बट यू नो एग्जैक्टली सच क्या है। आप दोनों का ईगो, वो कभी खत्म हुआ ही नहीं। ये बात, ये लड़ाई अगर आप 6 साल पहले कर देते ना, तो एक ही घर में आप दोनों अजनबियों की तरह नहीं रह रहे होते। ये जो दूरियां है ना, ये मिटाने के लिए मैं भाभी को लेकर आया। पा का असली ट्रीटमेंट आप, अलग भाभी ने तो उन्हें सिर्फ चलाया है। आप में जान बसती है पा की, उनकी रूह आप में। पा को सहारे की जरूरत नहीं है, उनको हौसले की जरूरत है, और उनका हौसला सिर्फ और सिर्फ आप। आप दोनों ने तो मेरी मां को ही बीमार कर दिया। नहीं, आप लोगों के ईगो में आपके बीवियों की क्या गलती है? नहीं, वो सफर क्यों करे? हाँ, माँ पूरे परिवार के साथ बैठ के खाना क्यों नहीं खा सकती है? पा घर में कोई एक दूसरे से बात क्यों नहीं करता? 6 साल तक भाभी ने दिल्ली की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा, क्यों? पर हाँ, आपको आज तक दिया जिया के बारे में कभी नहीं बताया। और जानते हैं पा, आपके बीमारी के बारे में सुनते ही अभी एक बार में आ गई। उन्होंने अपने काम को अपनी पर्सनल लाइफ से ऊपर रखा। जिस ससुर ने उन्हें इतना कुछ, इतनी नफरत दी, उस ससुर के पैरों में जान डाल दी उन्होंने। यू नो व्हाई? इसे ही अपना आशीर्वाद समझ के। हम तो बहुत बाद में आए भाई। माँ को माँ आपने बनाया, आप पूरा की ईगो ने माँ को बीमार, कमजोर। जानते हैं एक माँ का सुख किस में होता है? उनके परिवार की खुशी में।
विजय अंकल की फिजियोथेरेपी डॉक्टर तुम्हारी भाभी हैं। वैसे रिकी भैया ने हाँ पलक भाभी, इनफैक्ट हमने रिकी भैया और पलक भाभी का पैचअप कराने की इतनी कोशिश की, लेकिन पा एंड ऋषभ भाई दे डोंट लाइक हर। और जैसे ही भैया भाभी को देखते हैं ना, ही लूजेस हिज टेंपर। तभी मैं सोच रहा था कि जब ऋषभ भैया ने तुम्हारी भाभी के बारे में बात की तो सब इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रहे थे। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। देखो पलक भाभी की बात आज नहीं तो कल बाहर आनी ही थी, सो आई एम नॉट रियली सरप्राइज्ड। वैसे अच्छा ये देखो रिकी भाई और पलक भाभी। ये तुम्हारी भाभी? हाँ ये वही है जिनको तुमने इस दिन लिफ्ट दी थी, और इनके जो बच्चे हैं ट्विंस वो मेरी नीसेस है। जीसस पाए, ये तो जासूस है ना। व्हाट नकुल तुमने ज्यादा पी ली क्या? ये भाभी है मेरी, जासूस नहीं है कोई। शिवम सच सच बता, पलक को वापस जाने का प्लान किसका था? मेरा। तो खुश है तू? ये अभी भी पॉक्यू है भाई, मुझे जो ठीक लगा मैंने किया, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। शिवी मैं बात कर रहा हूँ तेरे से। भाई छोड़ो ना ये सब, अब जो होना था हो गया, अब ये सब का फायदा क्या है मुझे? शिवम साफ साफ बात कर रहा हूँ, क्या छुपा रहा है तू? वर यू एक्चुअली ट्राइंग टू पैच पलक एंड मी अप? यू इडियट, दैट्स नॉट गोना हैपन। शिवी आई एम सीरियस। शनाया बुरा मत मानना, बट मेरे हिसाब से अंकल और ऋषभ भैया की जो ओपिनियन है तुम्हारी भाभी के बारे में पूरी तरह से गलत नहीं है, क्योंकि यार उन्होंने भी तो दुनिया देखी है ना। क्यों थिंक? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? आई डोंट नो, बट कौन सी माँ अपने 6-6 साल के बच्चों को ऐसे छोड़ सकती है? I mean, इसके पीछे तो कोई मोटिव होगा ना, मतलब वो एकदम से वापस आ सकती है और ऋतिक भाई पे कोई इल्ज़ाम लगा सकती है। और तुम लोग उसे क्यों सच्चाई की मूरत बना रहे हो यार? I mean, देखो वो कल को हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकती है, तुम्हारे कान भर सकती है। एंड आई कांट अफोर्ड टू लूज यू शनाया। शनाया मुझे ना अब निकलना होगा। क्यों? मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया, मुझे भी मैसेज आया, मुझे जाना होगा। ओके। ये क्यूपिड प्ले करना बंद करो। ओके इट्स एनफ नाउ। भाई इसी ड्रामे की वजह से आपके बच्चे आपके पास हैं, और कोई तो कारण होगा कि भाभी अचानक से एक दिन आपको छोड़ के चली गई और पाके ऐसी हालत देखे बिना कुछ कहे एक बार में यहाँ आ गई। उन्होंने इस घर का कभी बुरा नहीं चाहा, आपने जिया दिया को माना और उन्होंने बिना कुछ कहे जिया दिया को यहाँ खुद छोड़ दिया। गोल्ड डिगर इतने सेल्फलेस नहीं होते भाई। गाइस प्लीज, हमें सब में भूल रहे हैं कि पलक ने नकुल के बारे में क्या रिवील किया, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट। दिमाग खराब है उसका, सारा फोकस मेरी फैमिली के ऊपर है उसका। अगर इतना ध्यान अपने करियर के ऊपर दिया होता ना तो कहीं की कहीं पहुंच गई होती वो। शी इज मैड, ऑब्सेस्ड विद अस। रितिक प्लीज, रितिक मुझे भाभी से बात करनी होगी। भाभी प्लीज मुझे बताओ पलक ने क्या कहा है? I really want to know कि पलक भाभी ने ऐसा क्या कहा है नकुल के बारे में। पलक बेटा। जी आंटी। बेटा आपका पार्सल ये लो। थैंक यू सो मच आंटी, मैं घर पे नहीं थी, आपने मेरा पार्सल रिसीव कर लिया। वो एक्चुअली मेरे लिए बहुत अर्जेंट था, जो मेरे पेशेंट है उनके ऑफिस में जाके मुझे इंस्टॉल करना है। इतनी लेट? हाँ वो मेरी लेट फ्लाइट है तो मिडनाइट फ्लाइट है। तो बेटा तुम अभी जाओगे? टेक केयर, गुड नाइट। हेलो भाभी, आई नीड टू स्पीक टू यू राइट नाउ, आई एम कमिंग टू योर प्लेस। शिवम सुनो, मैं अभी ऑफिस जा रही हूँ, मैंने वीपी सर के लिए नई मशीन मंगवाई है तो वो इंस्टॉल करने जा रही हूँ, तो तुम वहीं आ जाओ। और इस टाइम पे कोई ऑफिस पे भी नहीं होगा तो आराम से बात कर लेंगे। ओके बाय। बहुत स्टुपिड सा बहाना मार के निकला हूँ यार वहाँ से। वो जिस लड़की को मैंने गाड़ी में लिफ्ट दी थी ना, वो शनाया की भाभी निकली, उसने मेरी सारी बातें सुन ली गाड़ी में। एंड शी हैज अ प्रूफ टू। यार शायद तुझे वो वैसे ही डोज दे रही है, मुझे नहीं लगता उसके पास कोई प्रूफ होगा।
अगर उसके पास कुछ होता ना तो अब तक तेरी बारात निकल गई होती। अब बस एक कमजोर कड़ी हाथ आ जाए बस। शनाया साले, तुझसे अच्छे से एक वीडियो तो बनी नहीं, और उसकी भाभी तेरी कुंडली लेकर घूम रही है। बड़ा आया। हाँ शायद। शिवम, वो मैंने आपके लिए मशीन्स मंगवाई थी, इसमें ना सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, अगर आप ढंग से फॉलो करेंगे ना तो आपको बहुत आराम मिलेगा। क्या हुआ सर? कोई फैमिली स्ट्रेस है? यू नो व्हाट, जो भी प्रॉब्लम है, इफ यू कम टुगेदर एज अ फैमिली, आई नो यू गाइस विल फाइट। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे, तो देखना सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ पॉजिटिव होगा। मेरे बच्चे के साथ अच्छा नहीं होगा। अब अंदर जाओ और कोई बहाना बनाओ और मंगनी तोड़ो, वरना तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को ना मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी। अब मैं जा रही हूँ। Take care. Bye. भाभी, it's okay, शिवम. शनाया will be all right. मैंने भी पापा से भी बात की है। मैंने उन्हें बोला है कि टेंशन नहीं ले, तुम भी टेंशन मत लो। आपने पापा से बात की? हाँ। कब? अभी ऊपर, मैं उनकी मशीन सेटअप करने आई थी तो I told him। आपने पापा से अभी बात की, right now? हाँ, मैंने समझाया उन्हें कि वो टेंशन ना लें। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था रोका तोड़ने के लिए। तुम जैसा चाहती थी वैसा हुआ, अब मुझे मेरी रिकॉर्डिंग्स दो। रिकॉर्डिंग्स अभी नहीं है मेरे पास। तुमने ही तो कहा था तुम्हारे फोन में, तो मैंने ट्रांसफर कर दी होगी ना। झूठ, फिर से झूठ। कोई रिकॉर्डिंग नहीं है तुम्हारे पास, कोई सबूत नहीं है मेरे खिलाफ तुम्हारे पास। निकलो यहां से, वरना तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। मैं बत आप क्या हो रहा है, क्यों भगा रही हो यहां से? आखिर चाहती क्या हो तुम? इस परिवार की बर्बादी चाहती है। ये चाहती है कि ये परिवार फिर से बिखर जाए। आपने देखा डायरी क्या कर रही थी? ये नकुल को ब्लैकमेल करके उसे यहां से भगाने की कोशिश कर रही है। वो तो अच्छा हो गया कि नकुल सही वक्त पर हमारे पास आ गया और हमें सब कुछ सच सच बता दिया उसने, वरना इसकी झूठी रिकॉर्डिंग्स के वजह से नकुल शनाया को छोड़कर चला जाता और इन दोनों का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता। तुमने सच नहीं बताया, तुमने रोका नहीं तोड़ा। आप लोग जानते नहीं है, इज अ लायर। मैं तुम्हें अपनी सफाई देने का एक मौका देना चाहता हूँ, मुझे सच सच बताओ, आखिर चाहती क्या हो तुम? पापा, ये लड़का, अंकल, ये लड़का सही नहीं है, ये शनाया के लिए बिल्कुल गलत लड़का है, ये ड्रग्स लेता है, मैंने खुद देखा है, लड़कियों का इमेज बनाता है। और शनाया डिजर्व्स बेटर देन हिम, प्लीज डोंट बिलीव हिम, ये डिजर्व नहीं करती। मैंने कहा था सच कहना। थैट, सच तो ये है कि इसने आपसे झूठ बोला और आपकी फिजियोथेरेपिस्ट बनने का नाटक कर रही थी। तुम जानते हो पलक, कि ये सब कुछ जानते हुए भी डैड ने तुम्हें माफ कर दिया था। वो मुझसे कह रहे थे कि अच्छी लड़की है वो, तो मैं सही वक्त पर आ गया और तुम्हारी असलियत सबके सामने लेकर आ गया, वरना आज शनाया की जिंदगी बर्बाद हो चुकी हो। तुम क्यों इस घर को, इस परिवार को बर्बाद करने पर तुली हुई हो पलक? क्यों? तुम्हारी असलियत सामने आई गई और आज भी आप सच नहीं बोल रहे। भाई, भाई आपको कुछ भी नहीं पता है, और हमने आपका बिगाड़ा क्या है जो आप पा को भाभी के खिलाफ भड़का रहे हो? भाई और पा आपकी बातों पे बिलीव कर लेते हैं और सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप प्लीज ये मत करो, ये परिवार को फिर से बिखरने मत दो। आप
नकुल इज नॉट अ नाइस गाय, आई एम टेलिंग यू। अब तू हमें बताएगा कि नकुल इज नॉट अ नाइस गाय? तुझे पता है नकुल को किसने सिलेक्ट किया है? डैड ने। आर यू ट्राइंग टू क्वेश्चन डैड्स डिसीजन? मैंने सब कुछ पता लगा लिया है, नकुल में कोई बुराई नहीं। आप लोग सही और गलत में फर्क ही नहीं समझते हो, हमेशा सही को गलत समझते हो, गलत को सही समझते हैं। पता नहीं बिजनेस कैसे संभाल रहे हो आप। बस कर। मैंने सोचा था कि शायद मैं गलत हूँ, शायद मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, शायद तेरे अंदर कहीं ना कहीं कोई अच्छाई है। तूने रीवा की मदद की, मेरे साथ इतनी मेहनत की, लेकिन मैं गलत था। तेरे मन की कालक मुझे साफ दिख रही है, तेरी समझ में नहीं आता आखिर तो मेरे परिवार से चाहती क्या है। इसके पहले मैं कुछ ऐसा कर बैठूं जो मुझे नहीं करना चाहिए, बेहतर होगा कि तुम यहां से चली जाओ। आप बड़ों के बीच में बात नहीं करते, समझे? कीप क्वाइट। डैड अब चिल्लाकर अपनी तबीयत मत खराब कीजिए प्लीज। मैं अब आ गया हूँ ना डैड, आपका बड़ा बेटा आपके पास आ गया है ना, कुछ गलत नहीं होगा। आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नकुल एंड शनायाज़ वेडिंग। इन दोनों की शादी होके रहेगी, ये मेरी गारंटी है डैड। सब ठीक हो जाएगा डैड। हाँ अंकल, अब तो मैं आपके परिवार का हिस्सा हूँ, अब सब सही हो जाएगा, आप प्लीज घर चलिए। कितने बड़े बेशरम हो तुम, धोखेबाज, अब सच बता दो इन्हें। बस चली जाए यहाँ से। बाप प्लीज, मैं आपसे कह रहा हूँ आप। शिवम ऋतिक से कहना कि मेरा गुस्सा मेरे बच्चों पे ना निकाले, उन्हें प्यार करे, इन सब में उनकी कोई गलती नहीं है। बहुत नहीं होगा मुझसे, चाह रही हूँ मैं। भाभी रुक जाइए। जाना जैसे शिवम, पलक का चैप्टर हमारी जिंदगी में आज अभी और इसी वक्त खत्म होता है। आज के बाद मैं इसका नाम तक नहीं सुनना चाहता। थैंक्स भैया, मैं शनाया से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। दैट्स वेरी गुड, बस मेरी बहन का ख्याल रखना। डैड आप अपना ख्याल रखिए बस। जस्ट टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। भाई पापा has fainted। सेतु तू और शिवम क्यों पीछे पड़े हो मेरे, मैं क्यों रोकना चाहते हो मुझे यार? और नहीं होता मुझसे अब, मैं बस तेरे छोड़ के जाना चाहती हूँ। And I never want to come back। अलग, listen। Listen, मेरे साथ जो भी हुआ है ना, जिया दिया को नहीं पता चलना चाहिए प्लीज। वो नहीं रह पाएंगी ऋतिक के साथ, पूरे नहीं एडजस्ट कर पाएंगी अगर उन्हें भनक भी लगी कि मेरे साथ क्या हुआ है। अब उन्हें वहीं रहना यार, उसी फैमिली के साथ। They have to forget me। It's best कि मैं चली जाऊं। तू उनसे मिलती रहना। वो ना शौर्य और राजू के साथ बहुत enjoy करती है, तो तू ना उनको मिलवा देना उनसे। और मैं तुझे कॉल करूंगी, प्लीज मुझे बता देना वो कैसी है। पलक लिसन टू मी। दर्द बहुत था, घुटनों पे जोर आया है, अभी तो पेन किलर देके सुला दिया है। टेस्ट कल करते हैं। आई गेस ही इज गॉट अ फ्रैक्चर,
We should let him rest now. ममता का बीपी बहुत हाई था, इसलिए मैंने उसे जबरदस्ती सुला दिया। नहीं नहीं कोई नहीं, सही किया आपने। अभी विजय भाई साहब कैसे हैं? अभी तबीयत ठीक है, आराम कर रहे हैं। देखा, सेतु is not receiving my call. I don't know, उसे यहाँ होना चाहिए ना? She's also worried about Palak. Let her be with her. शनाया, पलक ने नकुल की सारी बातें सुन ली। अपेरेंटली वो फोन पे किसी से बात कर रहा था और ये कह रहा था कि तुमसे शादी करके उसे बहुत फायदा होगा। तुम उसके लिए बस एक हुक्म का इक्का हो। He's going to use all your money for drugs. Drugs? तुमको याद है? तुम उसके घर गई थी और वो कोई पिल यूज करके he was just going to mix that in your drink and he was going to blackmail you. That's why Palak and Ritvik came there. ये लो ना जूस। बेबी यार मुझे चक्कर से आ रहे हैं। नहीं पढ़ूंगा मैं मैं नहीं पढ़ूंगा, बाद में। मैंने तुम्हें सीसीटीवी में देखा और तुम किससे बात कर रहे थे और तब तक तुम्हारे डैड ने आके तुम्हें थप्पड़ मारा। डैड को घर ले चलते हैं। लेकिन तो ऐसा कर, तो डॉक्टर से बात कर, उनकी ओपिनियन ले ले कि आगे क्या और ट्रीटमेंट क्या होगा। ऋषभ भाई ने जानबूझ के किया, वो इंडिया इसलिए आया कि सारी मेहनत पे पानी फेर दिया उन्होंने। पलक भाभी और पाइप ने करीब आ गए थे, हम सॉल्व हो गए। ऋषभ भाई हमेशा रिकी भाई से नफरत करते और पाए कभी देख ही नहीं पाए। खैर पलक, मैंने कहा ना तुम नहीं जा सकते। जी और दिया को तुम्हारी जरूरत है, तुम नहीं जा सकते। डैड को तुम्हारी जरूरत है, he'll start degrading after this, so you can't go. तुमने जो मेरे साथ किया, I can never forget it, but I don't think कि मैं दोबारा ही कर पाऊंगा, so तुम नहीं जा सकते। Whether you like it or not, मेरे लिए तुम नहीं जा सकते। ठीक है, हो गया जो होना था, राइट? अब मैं तुम और जिया दिया एक साथ रहेंगे एंड विल फिगर इट आउट। सच ये कि मैं कभी तुम्हें भुला नहीं पाया। आई कुड नेवर फॉरगेट यू, फॉरगेट व्हाट हैपेंड। ठीक है, सबसे गलतियां हो जाती हैं, बस दोबारा मत करना। I love you. तुम नहीं जा सकते। जो कन्फ्यूजन तुमने नकुल को लेके क्रिएट की है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है, पहले उसको सॉल्व करो और फिर जाओ। डैड भी शॉक में। हाँ तो वही सच है, हॉस्पिटल में हूँ, बर्दाश्त नहीं कर पाए वो शॉक। देखो ऋत्विक, फैमिली डॉक्टर नहीं, फैमिली मेंबर के हैसियत से कह रहा हूँ। जिस एज में आपके पेरेंट्स हैं, जरा सी भी टेंशन
सीरियस हो सकती है। क्या घर पे कुछ प्रॉब्लम है क्या? है, बड़ी सी टेंशन। लेकिन अभी कुछ महीनों से he seems to be doing well. उनके फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर शर्मा, she has got good result. ऋत्विक, इस एज में मॉरल सपोर्ट ही हर मर्ज की दवा होती है। आदमी अगर दिल से खुश हो ना, दुनिया जीत सकता है। लेकिन अगर दिल से हार गया है तो फिर शरीर भी साथ नहीं देता। आई थिंक विजय की प्रॉब्लम फिजिकल से ज्यादा मेंटल है। एंड डॉक्टर शर्मा had achieved a lot in terms of resolving his mental problems. अब इस अटैक के बाद विजय इज बैक टू स्क्वायर वन। इफ यू वॉन्ट योर डैड टू गेट बेटर और शुड आई से सेव हिम, यू शुड गेट द सेम फिजियो, डॉक्टर पलक शर्मा। प्लीज कॉल हर। मैं जानता हूँ कि मैं सेल्फिश हो रहा हूँ, बट मैं मजबूर हूँ। प्लीज मेरे डैड को बचा लो। बस यही रीजन है? तो आई विल डू इट फॉर माय पेशेंट। थैंक यू। Ritvik Noon, huh? Will you marry me? क्या यार पलक, इट्स 11:15, दिस वाज सपोज्ड टू बी अ ब्रेकफास्ट डेट ना? आई नो, दे डोंट सर्व ऑमलेट्स एनीमोर यार। मैं यहां ऑमलेट खाने आया था। तो मेरे साथ डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑमलेट इंपॉर्टेंट है। शनाया, क्या हुआ तुझे? बहुत स्ट्रेस लग रही है भाई। वो यार तू बहुत खोई खोई सी लग रही है। यू श्योर एवरीथिंग्स फाइन? या, आई एम फाइन। डोंट स्ट्रेस, ओके? कुछ भी हो तो मुझे बोल। अब तक सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे मैंने सोचा था। अब बस इस घर को अपने नाम करवाना है। What's wrong with you? Don't you think you're being too harsh? बिल्कुल नहीं। And it's the right time, Sachi. आज तक मैंने ऋत्विक के साथ सब कुछ शेयर किया है, लेकिन अब और नहीं। लेकिन ऋषभ, वो घर छोड़कर जा रहा है ना? जानता हूँ। और शिवी भी काफी बेवकूफ है। And I don't think Reva will create any kind of problem. All in all, it's looking very good for me. Then I guess you should just sit back and relax. एक बार शनाय की शादी हो जाए, फिर तुम देख लेना तुम्हें जो करना है। नहीं। शनाय? ऋषभ भैया, आप? भाभी। शनाया, वी आर रियली सॉरी। एक्चुअली ऋषभ को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि डैड को पलक के बारे में कुछ नहीं पता। आई मीन, हम दोनों तो बस सेलिब्रेट करने आए थे, खुशी में शामिल होने आए थे, और हमारी वजह से पूरी पार्टी खराब हो गई। आई एम रियली सॉरी शनाया। भाभी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इट्स नॉट योर फॉल्ट। शनाया, तुम बहुत परेशान हो। आई होप एवरीथिंग इज फाइन। ऋषभ भैया, I don't know. I mean, पलक भाभी ने जो कुछ भी नकुल के बारे में बताया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब मैं उससे मिली, मुझे तो ठीक ही लगा। I don't know why she said those things. शनाया, don't trust this पलक। वो इस घर का कभी भला नहीं चाहेगी। रिकी और उसके बीच में जो कुछ भी हुआ है, वो उसका बदला हमसे जरूर लेगी। अब देख, अपने बच्चों को लेकर आ गई है।
और पता नहीं और क्या क्या प्लान कर रही थी। अच्छा वो डैड को सब कुछ पता चल गया पलक के बारे में। शनाया देख तू ये सब कुछ नहीं समझेगी लेकिन प्लीज नकुल को छोड़कर अपनी जिंदगी मत खराब कर। और वो भी किसके कहने पर? पलक के कहने पर। कल को उसका झूठ पकड़ा गया फिर तू क्या करेगी? You'll regret it for the rest of your life. वो तो अच्छा हुआ कि मैं सही टाइम पर आ गया वरना नकुल जैसा अच्छा लड़का हाथ से निकल जाता। शनाया मैं तेरा भाई हूं मैं तेरा बुरा कभी नहीं चाहूंगा। डैड के ठीक होने तक आप तुम यहीं रखोगे। ओ हेलो ऐसा कुछ नहीं जो तू सोच रहा है। ओके इट्स ओके। कहाँ भाग रहा है? आई होप हमारे रिश्ते को लेके किसी के दिमाग में कोई गलत फहमी ना आए। किसी को कोई शौक नहीं है हमारे बारे में गलत फहमी पालने की। मैं अपने पेशेंट के लिए आई हूँ मैं अपने पेशेंट के लिए ही रुकूंगी और किसी से मुझे कोई मतलब नहीं है स्पेशली तुमसे। ओम कौन चला रहा है ये क्या हुआ? ओम ओम भाभी आई है रिकी भाई लेकर आए। पलक आई है? रीवा दीप सुनाए शनाया पूजा की थाली लेकर आओ जल्दी से। हाँ मम ये सिर्फ डैड की हेल्प करने के लिए आई। मैं जानती हूँ ये आरती भी मैं पापा के लिए लाई थी लेकिन पापा की डॉक्टर आई है ना। ठीक तो पापा की डॉक्टर ही उन्हें करेगी। तो फाइनली शिवी जो जाता था वो हो ही गया। अरे पलक भाभी पा के इलाज के लिए आई है वरना वो तो हमेशा के लिए जा रही थी। आई नो बट एट लीस्ट द फैमिली इज कंप्लीट राइट? या यू नो व्हाट गाइस मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोगों ने ना पलक को हमेशा डाउट किया but she's so true to her profession. Pa, ab bhi Palak bhabhi se zyada us junkie Nakul pe believe karte hai. I don't know why but usse yaad aaya you know what Shanaya I think Palak is right again that Nakul right he's too good to be true dude. Tumhe to Shivam ne bataya hai Nakul ke bare mein nahi? Exactly mujhe to aisa lagta hai ki Palak ko is sare damadon ko scan karna chahiye. अब प्लीज कोई सीन मत क्रिएट करना। बैग यहीं छोड़ दो कमल शो यू द गेस्ट रूम। पहले पाप वीपी सर को पहले देख लेती हूँ। ओके शिवा तूने कर दिखाया सब ये जोड़ी हमेशा बनी रहे। आपको अपना प्रॉमिस याद है ना मैम? ट्रीटमेंट रिपोर्ट्स दिखाइए लाइट्स डिम करो और पूरा अंधेरा मत करना उन्हें अंधेरे में सोने की आदत नहीं है। बच्चे कहाँ हैं? उनसे मिलना है। मम्मा, 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 मम्मा। थैंक यू पापा। मम्मा आपको पता है सैम ने हमें सारे टॉयज दे दिए हैं। हाँ। आपको पता है पापा के रूम में रेन होती है? अभी आप लोग शोर नहीं मचाओगे, ओके? दादू की तबीयत ठीक नहीं है, सुनो ना। पापा, आज हम सब साथ में सोएंगे। वेलकम। वाह यार मम्मा ने रूम तो बहुत अच्छा सेट कर दिया। आर यू कंफर्टेबल? या मम्मा आप भी हमारे साथ सोना। अच्छा और पापा? पापा भी यही। तो मैं भी साथ आ जाऊं? नो सैम को लेके। अच्छा ठीक है मैं सैम को लेके आती हूं। हेलो हेलो आपका कमरा तैयार है। मॉम मैं यहीं सो जाऊं बच्चों के पास?
हाँ, तुम्हारा अपना ही घर है और किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक रिकी को परेशान करना। Alright, you guys. Good night. Sleep well. मैं चेंज करके आता करोगी तो खुले डोर को क्यों लॉक करूंगा मैं? खुला मैंने लॉक किया था। और रियली तो फिर ये कैसे अंदर आया मैं? हाँ पहन लो कुछ यार। उधर उधर देखो, उधर देखो ना। हो गया ड्रामा तुम्हारा, बचा भी क्या अभी? How can you go into a shower without clothes यार? तो और कैसे जाते हैं? दरवाजा क्यों नहीं लॉक किया यार तुमने? तो नहीं है मुझे आदत, मैं 6 साल से अकेली रह रही हूँ तो नहीं ऐसी हैबिट्स मुझे। इस घर में तुम अकेली नहीं रह रही हो यार, मेरे अलावा यहाँ पे डैड है, शिवम है, स्टाफ है, कोई और होता है यहाँ पे मेरी जगह तो तुम ऐसी कूल बन रही होती। वो मैं दिया की इंग्लिश बुक ढूंढने आया था। सॉरी मैं चला जाता हूँ और तुम रूम लॉक करके चेंज कर लेना। ये फ्रूट एप्पल, यू लाइक एप्पल? एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। हेलो ब्रेकफास्ट कीजिए, आपको मेडिसिन भी लेनी है। तू यहाँ क्या कर रही है? तेरे को अंदर घुसने कितने दिया? बातें बाद में करेंगे, आप पहले प्लीज ब्रेकफास्ट कीजिए। वो सब छोड़, तू मनु पहले दस तो हो की रहे, तू अंदर कैसे आई? मिस्टर नूर मैं आपको सिर्फ ट्रीट करने आई। इतना सब हो गया, इतना कुछ बुरा भला कहा तुझे, तुझे शर्म नहीं है फिर वापस आके मुंह उठा के? डॉक्टर हूँ, ओथ लिए, पेशेंट फर्स्ट। वैसे भी आपके एक्सीडेंट के बाद ना रिकवरी थोड़ी इम्पॉसिबल हो रही है, बड़ी मुश्किल से पलक को वापस लेके आई है, प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कर लो। क्या ये यहाँ रहेगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा? इसके रहने से मैं और बीमार पड़ जाऊंगा, मर जाना है मैंने। सर मैं आपके फैमिली मैटर्स में कोई इंटरफेरेंस नहीं करूंगा, टाइम नहीं था इसलिए हम नए डॉक्टर को आपकी हिस्ट्री नहीं समझा सकते, इसलिए मैं वापस आई हूँ। आप प्लीज जूस पीजिए। मेरी टांगे। आप प्लीज जूस पीजिए। नहीं चाहिए, चली जाओ यहाँ से। लिसन प्लीज अभी के लिए ना भूल जाओ कि पलक से हमारा क्या रिश्ता है और क्या लगती है वो हमारी। फॉर नाउ शी इज जस्ट डॉक्टर पलक, द सेम डॉक्टर हु क्योर्ड यू द फर्स्ट टाइम, और अभी भी वही क्योर करेगी आपको। ओके तो कम ऑन, हैव द जूस और ईट समथिंग। नो आई डोंट वांट एनीथिंग, कॉल ममता, ममता को बुलाओ। कोई ममता ने भेजा है मुझे, आप प्लीज जूस पीजिए। फोन लाओ, एक फोन लगाऊंगा लाइन लग जाएगी फिजियोथेरेपिस्ट की। यहाँ पर कोई लाइन नहीं लगने वाली, आप सबको भगा चुके हो। मेरे को इसके साथ अकेला मत छोड़ के जाओ। डॉक्टर है वो, बचा लेगी आपको। जूस पीजिए। आपको फिजियोथेरेपी से ठीक होना है या ऑपरेशन से, आप डिसाइड कर लीजिए। तुम्हें बड़ी परवाह मेरी। अब्रॉड में और भी अच्छे डॉक्टर हैं, आपकी रिपोर्ट्स मैंने भेज दी हैं, एक दो दिन में जवाब आ जाएगा। डैड ये फाइल है, इसमें आपके सिग्नेचर्स की जरूरत है। नो वर्क फॉर मिस्टर नून फॉर अ वीक। एक्सक्यूज मी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, देखिए काम नहीं रुकते, समझिए आप। ये मेरे पेशेंट का रेस्ट टाइम है, अभी वो ब्रेकफास्ट करेंगे, अभी वो काम नहीं कर सकते। ओ कुड़िये फाइल दे। ठीक है, ये फाइल मैं यहीं रख देती हूँ, जब वो ठीक हो जाएंगे मैं उन्हें पढ़ा दूंगी। मुझे फाइल दे दो। अरे आप यहीं रहने दीजिए ना, मैं उन्हें पढ़ के सुना दूंगी। मैं बाद में खुद आ जाऊंगा और उनके साइन ले लूंगा। गिव मी द फाइल, गिव मी द फाइल। I'll see you then. चलिए जूस पीजिए, थेरेपी भी करनी। मुझे ना जूस पीना है ना ही मुझे थेरेपी करनी है।
क्या मुसीबत है यार? मैं उस साइड भी आ सकती हूँ। चलो बच्चा बाड़ी, जल्दी से नाश्ता करो, यू हैव टू गो स्कूल। पापा, स्कूल की छुट्टी प्लीज। नो 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 नो। पापा, दादू की तबीयत ठीक नहीं है। ओ, तो उसमें आपका क्या रोल है? आपकी मम्मी संभाल रही है ना सब कुछ? मामू, दोस्त दोस्त ही ना बोलते। पापा प्लीज ना, प्लीज प्लीज मामू प्लीज। हेलो, दादू की तबीयत खराब है, आप लोग घर पे रहेंगी तो बहुत शोर करेंगे, एंड आई नीड दादू टू रेस्ट। ओके, अरे तुम लोग स्कूल की चिंता छोड़ दो, जाके मस्ती करो, लेकिन सबसे पहले नाश्ता पूरा खत्म होना चाहिए। अरे आप क्या कर रहे हो यार, तहलका मचा देंगी ये लड़कियां घर पे। दिनों के बाद घर भरा हुआ लग रहा है। इस फैमिली पिक्चर में सिर्फ मॉम मिसिंग है, मैं भी लेकर आता हूं। भाभी, थैंक यू सो 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 मच भाभी, मॉम ने आपको हग करने के लिए कहा है। 6 साल बाद फाइनली हमारे घर में सब लोग साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, आफ्टर 6 years। Thank you, भाभी। I'm happy for you all. भाभी, I believe you. मुझे पता है कि नकुल वैसा ही है, बिल्कुल जैसे आपने बताया। वरना आप कभी भी इतना बड़ा झूठ नहीं बोलोगी। और वो अंगद वाला मैटर तो मैंने खुद देखा है। I believe you, और इसीलिए मैं अभी जाके पा को बता दूंगी कि मुझे ये शादी नहीं करनी। शनाया, नहीं, अभी मम्मा पापा दोनों की तबीयत ठीक नहीं है। Don't give them another shock. I'm just glad कि तुम्हें इस बात पे बिलीव हो गया। पर भाभी, आप चाहती हो कि मैं उससे शादी कर लूं? हाँ, कभी कभी फैमिली की हैप्पीनेस के लिए हमें सैक्रिफाइस करना पड़ता है शनाया। नकुल को एक्सपोज करेंगे हम, बट अगर हम अभी जाके डैड को बोलेंगे कि उनकी चॉइस खराब है तो ही वोंट टेक इट नाइसली। भाभी सही कह रही है शनाया, और वैसे भी ऋषभ भाई भी नकुल के साइड में है। आई डोंट नो, डैड को किसी तो भी कन्विंस कर लिया उन्होंने नकुल के फेवर में। वो दिन उन्होंने मुझे भी ये बात बोली कि उन्होंने कैसे ये शादी टूटने से बचा ली। हाउ डिड यू चेंज योर माइंड? ऑनेस्टली भाभी, I didn't. मैंने सिर्फ अपने आप से एक सवाल पूछा कि आखिर आपको और सेतु भाभी को ये शादी तोड़ के क्या मिलेगा? And the answer was nothing. भाभी, I believe you. मुझे पता है कि आप कभी भी किसी के कैरेक्टर पे ऐसे ही कोई इल्जाम नहीं लगाओगे। All this is planned. ये सब नकुल की प्लानिंग है। We have to expose it. We will. अबे मैं भी तो हूँ। अरे यार सॉरी गाइस, वो रिकी ने मीटिंग में फंसा दिया था, बट मैंने क्या किया पता है? मैं दर्द का बहाना लेके ना वहां से भाग के आ गया। गुड, सबसे इंपॉर्टेंट काम ना आपका ही है। आपको ऋतिक को भनक भी नहीं लगने देनी कि हमारा कुछ प्लान चल रहा है, वरना सब कुछ फेल हो जाएगा। यू नो ही वुड नॉट ट्रस्ट मी एवर। क्या करूं? मैसेज छोड़ देती हूं। भाग रही है। गाइस, मैं तो जा रही हूँ। आई मीन, जब घर पे दुल्हन ही नहीं रहेगी तो शादी किसकी करवाओगे? हाँ, और वैसे भी इस घर में सबको बस मेरी शादी कराने का भूत चढ़ा हुआ है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट आई डोंट इवन हैव अ से इन इट। यू नो व्हाट गाइस, आई एम रनिंग अवे। आई मीन, कोई और नहीं मिला तो उस साइको से करा दोगे क्या मेरी शादी? और पापा को तो सुननी है नहीं किसी की। ना हम है ना तुम्हारे साथ, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? और आज ही तो हमने डिसाइड किया था दैट वी विल एक्सपोज हिम, देन व्हाई आर यू ओवर रिएक्टिंग? लिसन, प्लीज ऐसा कुछ मत करना। उन्हें एक और शॉक मत दो, यू नो उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ममता मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज। भाभी, आपको पता नहीं है दैट साइको नकुल ही आज डैड इफ ही कैन टेक मी आउट ऑन अ डेट, एंड गेस व्हाट, डैड ने अलाउ भी कर दिया। आई एम नॉट गोना टेक अ रिस्क बाय गोइंग विद हिम ऑन अ डेट। आई मीन नो, नेवर, दैट इज नॉट हैपनिंग। गो ऑन दैट डेट? आर यू सीरियस भाभी? यस। यू वांट मी टू गो ऑन अ डेट विद दैट एसहोल? यू नो व्हाट, ट्रस्ट मी, ध्यान से सुनो, इफ यू वांट टू एक्सपोज हिम ना, दिस इज द बेस्ट वे। डेट पे जाओगी, वील एक्सपोज हिम,
गाइस भाभी अब किस जासूसी के चक्कर में ना मेरी सच्ची की शादी हो जाएगी उससे। आई डोंट वांट टू मैरी हिम। ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। अगर मुझे विजय अंकल के सामने जाके उन्हें बोलना पड़े ना सब कुछ भी, तो भी मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। ट्रस्ट मी प्लीज। अरे पर उस कुत्ते के साथ शनाया को अकेले कैसे भेज दे? हम है ना। प्लान क्या है? या व्हाट डू वी डू? तुम सांची के साथ जाओगे। सांची क्यों? क्योंकि अगर सांची तुम्हारे साथ जाएगी तो किसी को शक नहीं होगा, स्पेशली ऋतिक को। उसे लगेगा कि हम कुछ प्लान नहीं कर रहे। बट प्लान क्या है? लिसन, awesome, awesome, good plan. दीवा, अरे वाह, यहाँ पे तो आप लोगों की पार्टी चल रही है भाई। What's happening, huh? भाभी, wedding preparations. चलो मेरे साथ। पर कहाँ? I have to go on a date with Nakul. नकुल के साथ तुम्हारी डेट है, कहीं तुम्हारी इस डेट में मैं कबाब में हड्डी तो नहीं बन जाऊंगी? नहीं भाभी, बिल्कुल नहीं। We'll go shopping first and then you drop me off at the date, okay? चलो चलो, bye guys, bye bye, have fun. पलक, क्या हुआ? क्या हुआ? देख, I understand तू रितविक को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती है, लेकिन साची, अरे why are you tagging her along यार? सेतु, I have a feeling ऋषभ कुछ प्लान कर रहा है। उसकी हिस्ट्री रही है प्लानिंग और प्लॉटिंग करने की, एंड ही हेट्स रितविक। उसका 6 साल बाद वापस आना, विजय अंकल को मेरे खिलाफ भड़काना, इट्स नॉट एन एक्सीडेंट। और मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो नकुल के इतनी साइड क्यों ले रहा है यार। Listen, 6 साल बाद तू भी वापस आई है ना, वो भी आ सकता है, उसका घर है यार। फालतू का शक है यार पलक, जस्ट रिलैक्स। तुझे पता आज सुबह क्या हुआ है? जब मैं विजय अंकल के रूम में थी, मैं उनको ट्रीट कर रही थी, तो वो रूम में आए थे फाइल लेके, उनसे साइन करवाने के लिए। जैसे ही मैंने उससे वो फाइल ली ना, उसने मुझसे वो फाइल छीन ली। ऐसे से कुछ कुछ बहुत मेजर था उस फाइल में। यार कुछ भी हो सकता है फाइल में यार, प्रॉब्ली इट्स हिज सम कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट, समथिंग। टिपिकल इंडियन बहू बन गए तो और कुछ नहीं, पागल। ओके, आई एम प्योरली गोइंग बाय माई इंस्टिंक्ट्स। बट प्रॉब्लम क्या है, एक बार मैं वो फाइल देख लेती हूँ, लेट्स बी श्योर ऑफ इट, राइट? एक बार घर पे कोई नहीं होगा, मैं फाइल चेक कर लूंगी एंड ओके। गाइस, मैं और रोहित निकल रहे हैं, सो वी विल सी यू गाइस देयर, ओके? ओके, बाय बाय। बस एक बार घर खाली हो जाए, फिर पता लगेगा ऋषभ ने क्या प्लान किया। दादी, ममता आंटी और विजय अंकल कहाँ पे हैं? बेटा वो दोनों सो रहे हैं। अच्छा, और बाकी सब लोग? फिलहाल घर में हम दोनों ही हैं। ऑफिस वाले ऑफिस चले गए, शॉपिंग वाले शॉपिंग चले गए, और वो तीनों शैतान स्कूल चले गए। जय। हाँ सर। लाइब्रेरी में मेरा बैग पड़ा है, वो लेकर आना। ठीक है सर। सुनो, मैं गाड़ी में हूँ, वहीं लेकर आना।